हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 6 जनवरी और हम 6 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और साथ ही उनसे जुड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। मेरा नाम है विनीत पांडे, चलिए डेली न्यूज अपडेट स्टार्ट करते हैं। किस राज्य को CBIP अवार्ड दिया गया? ऑप्शन हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। क्यों दिया गया है? ये पोलावरम प्रोजेक्ट को के लिए दिया गया है। इन्हें पोलावरम बांध परियोजना में इन्होंने सिंचाई कार्य के लिए दिया गया है। अब CBIP ने दिया है तो CBIP के बारे में जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर। ये 1927 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। CBIP एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि सिंचाई और जल संसाधन और पावर के क्षेत्र में पिछले 90 सालों से अपनी सेवाएँ दे रहा है। इसकी 10 सहायक कंपनियाँ हैं और न कि देश में बल्कि विदेश में भी ये अपनी सेवाएं, ट्रेनिंग्स वगैरह ये देता है। इसके अलावा CBIP ने आंध्र प्रदेश को तो दिया ही है, साथ ही साथ पावर क्षेत्र के लिए NTPC लिमिटेड को ये अवार्ड दिया है। अब आंध्र प्रदेश की बात हुई है तो आंध्र प्रदेश मैप में देखिए, इसके चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू, TDP से हैं। कैपिटल है, प्रस्तावित कैपिटल है इसकी अमरावती, वैसे ऑफिशियल हैदराबाद है। यहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों पाई जाती है। विधानसभा की 175 और विधान परिषद की 58 सीटें हैं। लोकसभा की 25 और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। गवर्नर हैं यहाँ के ESL नरसिम्हा। राजकीय पशु है यहाँ का ब्लैक बक और राजकीय पक्षी है रोज रिंग्ड पैरट। राजकीय पेड़ है यहाँ का नीम। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो चंद्रयान 2 मिशन कब लॉन्च करेगा? ऑप्शन हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, मई। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फरवरी में ये लॉन्च होगा चंद्रयान 2। चंद्रयान मिशन पर एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे, वो आप देखिएगा, उसमें आपको डीप जो है कि नॉलेज मिलेगी। अब इसरो की बात होती है तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन 15 अगस्त 1969 में हुआ। हेडक्वार्टर है इसका बेंगलोर में। चेयरमैन है डॉक्टर के सिवान और इसकी स्थापना किसने की थी? विक्रम साराभाई ने। अगला क्वेश्चन है होपमैन कप का विजेता कौन बना है? ऑप्शन हैं जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ग्रीस, अमेरिका। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने जर्मनी को हरा के ये कप अपने नाम किया है। ये कप पर्थ में खेला गया था और अभी पर्थ में ऑस्ट्रेलियन ओपन होने वाला है, अगले वीक से शायद स्टार्ट हो जाए। अब स्विट्जरलैंड की बात हो रही है तो स्विट्जरलैंड मैप में देखिए, इसकी कैपिटल है बर्न, प्रेसिडेंट है उइली मॉरर, करेंसी है स्विस फ्रैंक। अगला क्वेश्चन है चक्रवाती तूफान उस्मान किस देश में आया? ऑप्शन हैं भारत, म्यांमार, फिलीपींस, कंबोडिया। सही जवाब होगा फिलीपींस, ऑप्शन सी। अब फिलीपींस की बात हो रही है तो मैप में देखिए, यह है फिलीपींस, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ताइवान के नीचे फिलीपींस जो ग्रीन कलर में है। इसकी राजधानी है मनीला, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हैं इसके रोड्रिगो डुटर्टे, करेंसी है पेसो। अगला क्वेश्चन चक्रवाती तूफान पाबुक भारत के किस हिस्से पर पहुंचेगा? ये अभी पहुंचेगा अंडमान निकोबार पे, ऑप्शन सी इसका सही होगा। अच्छा, अंडमान निकोबार अभी क्यों न्यूज में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों न्यूज में है? क्योंकि अभी यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। क्यों गए थे? सुभाष चंद्र बोस के तिरंगे झंडे के अनावरण के 75वीं वर्षगांठ पर नरेंद्र मोदी वहाँ गए थे। वहाँ उन्होंने 3 द्वीपों के नाम परिवर्तित किए हैं। कौन कौन से हैं वो 3 द्वीप? रॉस द्वीप है, नील द्वीप है और तीसरे द्वीप का नाम आप कमेंट में लिख के बताइए। और क्या क्या नाम लिखा है अभी मैंने पिछले लेक्चर में कवर किया है, वो भी लिख के बताइए कमेंट में कि द्वीपों के नाम क्या क्या बदले हैं। इसके अलावा जो पोर्ट ब्लेयर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम भी अभी उसको जो है कि भारत के लिए आने और जाने के लिए, मतलब यदि आप वहाँ से बाहर गए तो आप भारत से बाहर गए और वहाँ से आए पोर्ट ब्लेयर में यदि आप आ रहे हैं तो आप भारत में, आपको माना जाएगा कि आप भारत में आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार के तीसरे संस्करण की मेजबानी किसने की? ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, हरियाणा। सही जवाब होगा इसका दिल्ली।
अगला क्वेश्चन है, इंडिया फार्मा 2019 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही जवाब होगा मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद। इंडिया फार्मा 2019 का आयोजन किया जाएगा बेंगलोर में। अगला क्वेश्चन, ट्रेन 18 कौन से दो शहरों के बीच चलाया जाएगा? ऑप्शन है मुंबई गोवा, अहमदाबाद दिल्ली, दिल्ली मुंबई, दिल्ली वाराणसी। तो अभी ट्रेन 18 जो भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है, इसको दिल्ली और वाराणसी के बीच में चलाया जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उर्वरक सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है पीके सिंह, सुधीर भार्गव, छबिलेंद्र, यूके सिन्हा। सही जवाब होगा इसका छबिलेंद्र, ये पंजाब कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। अच्छा, तीन ऑप्शन ऊपर के देखिए आप, ये इनका अभी अभी अपॉइंटमेंट हुआ है कहीं ना कहीं। क्या आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं? मैंने पिछले लेक्चर्स में ये कवर किया है, आप कमेंट में लिख के बताइए कि इनका अपॉइंटमेंट कहाँ हुआ है। ये देखिए छबिलेंद्र है, आप इमेज में देखिए क्या होता है, कई बार हम बोलना पढ़ना भूल जाते हैं, लेकिन यदि वो इमेज हमारे दिमाग में रहती है तो वो ज़्यादा देर तक हम रिटेन कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, डुलाई थावी बैराज परियोजना मोरे चेक पोस्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किस राज्य में किया? ऑप्शन है मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, असम। सही जवाब होगा ऑप्शन ए मणिपुर। अच्छा, मणिपुर की बात हो रही है तो मैप में देखते हैं, मणिपुर म्यांमार की सीमा से लगता है, इसकी कैपिटल है इम्फाल, गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला, चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह, भाजपा से हैं। विधानसभा की यहाँ पे 60 सीटें हैं, लोकसभा की 2 और राज्यसभा की 1। फेमस लोकटक एक मणिपुर में ही पाया जाता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई एग्जाम में देखा गया है लोकटक एक लेख। अगला क्वेश्चन है, सिंडिकेट बैंक और किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बीच बैंकिंग बीमा समझौता हुआ है? बैंकाश्योरेंस। ऑप्शन हैं भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, बजाज एलियांस लाइफ इंश्योरेंस, अविवा लाइफ इंश्योरेंस, SBI लाइफ इंश्योरेंस। सही जवाब होगा SBI लाइफ इंश्योरेंस। अच्छा, SBI लाइफ इंश्योरेंस की बात हो रही है तो इसके CEO कौन है? संजीव नौटियाल, ध्यान में रखिएगा। यदि आप बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दिव्यंदु पलित, जिनका हाल ही में निधन हुआ, ये किस क्षेत्र से जुड़े थे? अभिनेता, लेखक, पत्रकार, कवि। ये लेखक थे, ऑप्शन बी इसका सही होगा। और ये क्यों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था, बंगाल के ये लेखक थे। और किस उपन्यास के लिए दिया था? उसका नाम था अनुभव। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 कब शुरू हुआ? ऑप्शन हैं 4 जनवरी, 5 जनवरी, 3 जनवरी, 6 जनवरी। स्वच्छ सर्वेक्षण शुरुआत हुई 4 जनवरी को, ये ऑप्शन सही होगा। अच्छा, 2018 का स्वच्छ सर्वेक्षण जब हुआ था तो नंबर 1 सिटी बना था इंदौर, सेकेंड नंबर पर था भोपाल। अभी देखते हैं किसको मिलता है अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला दिव्यांग कौन बनी? ऑप्शन हैं प्रेमलता अग्रवाल, अनीता देवी, अरुणिमा सिंह, पूर्णिमा देवी। सही ऑप्शन होगा सी अरुणिमा सिंह। अच्छा, ये क्यों इम्पोर्टेंट है अरुणिमा सिंह? ये इनकी कहानी बहुत इंस्पायर करने वाली है। ये पहले एक वॉलीबॉल की नेशनल लेवल प्लेयर थी, देखिए आप इमेज में देखिए। 2011 में ट्रेन से कहीं जा रही थी, इनके साथ दुर्घटना घटी और इनका एक पैर काटना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। 2013 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया, पर्वतारोही बनी है। इसके अलावा विश्व के कई ऊंची पहाड़ियों पर, शिखरों पर इन्होंने फतह हासिल की है, माउंट किलिमंजारो, एल्ब्रस, यूरोप का। अभी 2019 में माउंट विंसन, जो कि हाईएस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका है, वहाँ इन्होंने फतह हासिल की है। 2015 में इनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है। देखिए, कई लोग होते हैं कि जो बोलते रहते हैं हमारे पास संसाधनों की कमी है, हम ये नहीं कर सकते। अरुणिमा सिंह की सिन्हा की कहानी जो है एक इंस्पिरेशन है। वो आपने सुना होगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तुझसे आके पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। ये इनको देख के समझ में आता है हार नहीं माननी है जीवन में, चलते जाना है, करते जाना है। आप मेहनत कीजिए, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अपने ग्राहकों को व्हाट्सएप के जरिए पॉलिसी देने की सुविधा शुरू की है?
भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस, अविवा लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। सही ऑप्शन होगा ए, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। अच्छा, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की बात हो रही है तो इसका सीईओ कौन है? इसके सीईओ हैं विकास सेठ, हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पंज तीर्थ स्थल को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है? ऑप्शन हैं बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान। सही जवाब होगा पाकिस्तान, ऑप्शन डी इसका सही होगा। अच्छा, पाकिस्तान की बात हो रही है तो मैप में देखिए, पाकिस्तान इसके कैपिटल है इस्लामाबाद, प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। अच्छा, पाकिस्तान और न्यूज में क्यों है अभी? इसलिए भी न्यूज में है क्योंकि इसने अफगानिस्तान से आने वाले लोगों के लिए ऑन अराइवल वीज़ा देना बंद कर दिया है। इसके अलावा अभी पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर का भी काम चालू किया है भारत के साथ, और अभी लेटेस्ट इसने चीन के साथ व्यापार करने के लिए, उनसे लोन लेने के लिए उनकी मुद्रा में एक पांडा बॉन्ड साइन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान ने चाइना के साथ पांडा बॉन्ड साइन किया है। अच्छा, क्या आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान की जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या बोलते हैं? कमेंट में लिख के बताइए। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अनुसार देश की सबसे बड़ी संपत्ति प्रबंधन कंपनी कौन सी है? म्यूचुअल फंड कंपनी देश की सबसे बड़ी कौन सी है? ऑप्शन हैं SBI म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड और HDFC म्यूचुअल फंड। पहले थी ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, अब ये हो गई है HDFC म्यूचुअल फंड, ऑप्शन डी इसका सही होगा। अच्छा, HDFC म्यूचुअल फंड हुई है तो इसके MD CEO कौन है? उनका नाम है मिलिंद बारवे, ध्यान में रखिएगा मिलिंद बारवे। भारतीय पैनोरमा फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ? ऑप्शन हैं पुणे, नई दिल्ली, इंदौर, अहमदाबाद। अभी इसका उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में। ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स, कल फिर कुछ नए टॉपिक्स और क्वेश्चंस के साथ आपसे मुलाकात होगी। ये वीडियो आपको यदि पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो का PDF मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और सारे PDF डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ के करंट अफेयर से रिलेटेड। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वंदे मातरम।